ओके सो गाइस वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस यहाँ पे इन चारों वेपन में सबसे बेस्ट वेपन कौन सा है, और आप लोग यहाँ पे इन चारों में से किसी दो वेपन को सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट में आपको वन वेपन का चांस मिलता है, सेकेंड आपको थर्ड नंबर पे जब जाओगे थर्ड वाला बॉक्स पे तो आप लोग को वन वेपन अगेन चांस मिलता है। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट वेपन कौन सा है और कौन सा वेपन आप सभी को लेना चाहिए। सो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन पे क्लिक करने का ऑल पे सेट कर दो। देखो यहाँ पे तीन बॉक्स है, वन बॉक्स में वेपन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जो मिडिल वाला बॉक्स है उसमें आपको पेट सिलेक्शन का ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने बता रखा है। नहीं देखे हो पेट का वीडियो तो वीडियो को मतलब जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे थर्ड में अगेन आपको वेपन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि चार वेपन में से टू वेपन ले सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है, मतलब चार के चार नहीं ले सकते बट टू ले सकते हो। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को सबसे पहले फार्मर्स का स्किन देखने को मिलता है। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट फार्मर्स है, इसके एबिलिटी डबल रेट ऑफ फायर है, रिलोड स्पीड प्लस है। यहाँ पे सेकेंड में आप लोगों को देखने को मिलता है यूएमपी का स्किन, जिसका यहाँ पे डैमेज प्लस है और डबल रेट ऑफ फायर मिलता है, एक्यूरेंसी माइनस है। अभी मैं चारों के चार स्किन दिखाता हूँ एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों में से सबसे बेस्ट वेपन कौन सा है एंड कौन सा वेपन आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप वेपन सेलेक्ट करते हो तो आप लोग मतलब घाटे में ना हो, बल्कि यहाँ पे ऐसा मौका हमेशा गिरना नहीं देता है। तो सोच लो मतलब चार वेपन में टू सेलेक्ट करना है एंड सबसे बड़ी बात है कि आप परफेक्ट वेपन सेलेक्ट करो। ओके गाइस आप में से कई बंदे पूछोगे फैक्टो वेपन कौन सा बेस्ट है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हम फार्मर्स को टेस्ट करेंगे, जिसका डबल रेट ऑफ फायर है और रिलेटिव स्पीड प्लस है और एक्यूरेंसी माइनस है। बात की जाए इस फार्मर्स की, तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज लिटरली बता रहा हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट फार्मर्स है। क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग को यहाँ पे फार्मर्स में एक साथ तीन वेपन, तीन जो फायर रहता है, तीन बुलेट वो एक साथ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर के मतलब डबल रेट ऑफ फायर की वजह से तीन बुलेट एकदम पता भी नहीं चलेगा एंड फास्ट जाता है। बट यहाँ पे ये एक नंबर का वेपन नहीं है, इससे भी अच्छे वेपन है जो मैं आपको बताऊंगा। बट ये वेपन आपको लेना चाहिए कि नहीं वो वीडियो में ही मैं आपको बता देने वाला हूँ। सो सबसे पहले वेपन देखो, देखो ये वन ऑफ द बेस्ट फार्मर्स है और मुझे परफेक्ट लगता है क्योंकि डबल रेट ऑफ फायर मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर ड्रैग करते हो तो काफ़ी ओपी सीन होता है एकदम से। भाई एक अगर हिट पे पड़ता है तो शायद से दो तीन वेपन, जितने भी तीन मेंबर निकलते वो भी निकल जाता है डबल रेट ऑफ फायर की वजह से। यहाँ पे सीन बताओ, सेकेंड वेपन आता है यूएमपी। अब देखो ये वन ऑफ द बेस्ट यूएमपी, ये बहुत ज़्यादा ओपी यूएमपी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे डायमंड्स प्लस है, डबल रेट ऑफ फायर है, एक्यूरेंसी इसका माइनस है। अकॉर्डिंग टू गरेना यहाँ पे चारों वेपन लेजेंडरी है, लेकिन चारों में से सिर्फ दो वेपन कितने बेस्ट है, कौन सा आपको लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यूएमपी को जब मैंने टेस्ट किया तो लिटरली ये बहुत अच्छा यूएमपी है, मतलब मुझे तो परफेक्ट दिखा, बिकॉज यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर एंड डायमंड्स प्लस भाई बहुत ज़्यादा लेजेंडरी वेपन होते हैं और ऐसी वेपन बहुत ज़्यादा डायमंड में गरेना प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे आप लोग को फ्री में मिल रहे हैं, जस्ट आप लोग को मिशन कंप्लीट करने का। एंड आप में से कई बंदे पूछ रहे कि भाई मिशन कैसे कंप्लीट करें, कैसे पता चले। तो देखो मैं अपने मेन चैनल जो कि गेमर सपोर्ट है, जिस चैनल का नाम गेमर सपोर्ट, ध्यान से सुन लो, उस चैनल पे मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि कैसे मिशन कंप्लीट करोगे। अभी भी वीडियो वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहां पे थर्ड है M60, तो M60 की बात करोगे तो यहां पे भी डबल रेट ऑफ फायर और रेंज प्लस है और इसका रिलोड स्पीड माइनस है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ओपी वेपन है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है एकदम भाई बहुत ज़्यादा टफ है, बिकॉज सारे वेपन अच्छे हैं बट तुम्हारा भाई फैक्टर तुम्हें बता देगा कि कौन सा बेस्ट है एंड कौन सा आपको लेना अच्छी है। तो यहाँ पे सिंपल सीन है कि एस एम साठ को देखोगे तो भाई मतलब M60 से भाई अलग ही सीन था, देखना कितने हेड मारे मैंने, मतलब एक ही में भाई एकदम रेड नंबर ही आ रहे थे, मतलब भाई सिर्फ और सिर्फ रेड नंबर आ रहे थे, अलग ही सीन था। यहाँ पे देखो इसको भी रेड नंबर एंड यहाँ पे इसको भी रेड नंबर, मतलब काफ़ी सारे रेड नंबर, चार किल किए अभी मैंने रेड नंबर से। और यहाँ पे देखना ये बंदा है और इसको भी मैंने रेड नंबर, मतलब लिटरली भाई अलग ही सीन थे, ठीक है। तो यहाँ पे ओपी वाला M60 है। अब यहाँ पे देखो एक और बंदे, तो यहाँ पे हेड वगैरह तो अच्छे पड़ रहे हैं, मतलब हेड वगैरह अच्छे पड़ते हैं, तो M60 ये भी अच्छा है, रेट ऑफ फायर मिलता है तो क्या बात है। अब यहाँ पे जो सबसे उसके बाद यहाँ पे एक वेपन आता है M4A1, तो अगर इन चारों में सबसे अगर लो वेपन है तो ये M4A1 ही है। तो आपके पास अगर इन तीनों वेपन होगा तो लास्ट में ले सकते हो, बाकी इस वेपन को मतलब डबल डैमेज तो मिलता है, मैगजीन प्लस है बट इतना कोई खास नहीं अगर इसमें डबल रेट ऑफ फायर नहीं, बिकॉज समझ जाओ कि वेपन स्लो आता है और डबल डैमेज होने के बावजूद भी, क्योंकि डबल डैमेज का मतलब डबल डैमेज नहीं होता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डैमेज जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी ठीक ठाक है। लेकिन इन चारों में से सबसे कम मतलब लो में मैं इसी M4A1 को रखना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि सबसे बेस्ट कौन है। तो देखो सबसे पहले आप UMP ले लो, अगर आपके पास UMP है, ठीक है, तो आप किसी और वेपन के साथ जा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट वेपन UMP है इन चारों में,
बिकॉज उसके बाद डबल एट ऑफ फायर एंड डायमंड्स प्लस है। उसके बाद अगर फार्मर्स की बात करोगे तो आपको फार्मर्स अगर अच्छा लगता है चलाना एंड फार्मर्स आप चलाते हो तो फार्मर्स के साथ चले जाओ, एंड फार्मर्स अगर नहीं चलाते हो तो एम सार के साथ चले जाओ। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, एम सार ज़्यादा चलाते हो या फार्मर्स। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास फार्मर्स होंगे तो एम सार लो, एम सार है तो फार्मर्स लो। अगर इन तीनों वेपन है पहले से तब जाकर ही M4A1 लेना, बाकी के M4A1 को साइड रखो। लेकिन UMP एक बेस्ट वेपन है, तो दो वेपन आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो वन वेपन में UMP सेलेक्ट कर लो एकदम परफेक्ट। उसके बाद फार्मर्स चलाते हो तो फार्मर्स ले लो, और एमसा चलाते हो ज़्यादा तो एमसा ले लो। ऐसे सेलेक्ट करोगे घाटे में आप बिल्कुल नहीं रहने वाले। UMP को मिस मत करना, लेजेंडरी वेपन है, काफी अच्छा वेपन है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, तब तक ले गुड बाय एंड।